नासा के वैज्ञानिकों ने जब कैलाश पर्वत की ये तस्वीर देखी तो वो दंग रह गए। नासा के वैज्ञानिक ये उड़ गए होश। कोई नहीं जानता कि आज तक कैलाश पर्वत के ऊपर एग्जैक्ट क्या है। कई सारे मनगढ़ंत कहानी कही जाती हैं, लेकिन ये रहस्यमय और दिलचस्प कैलाश पर्वत के सारे सीक्रेट्स हम इस वीडियो में रिवील करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और सारी मिस्ट्रीज जो अब तक राज बनी हुई है, हम उनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदू धार्मिक मान्यताएं और पुराणों के हिसाब से आपको एक एक चीज डीपली और मीनिंगफुली समझाएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कैलाश जो कि हिमालय के एक बहुत फेमस और विख्यात पर्वत है, जो कि अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, इसके ऊपर एक रहस्यमय चीज देखी गई थी। कोई कहता है कि भोलेनाथ के साक्षात दर्शन किए थे उन्होंने, और कुछ लोग कहते हैं कि शिव पुराण में देव दर्शन के सबसे इम्पोर्टेंट जगह बताई गई है कैलाश पर्वत को। भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित कैलाश पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। ये 6,638 मीटर ऊंचा है, या कह सकते हैं कि 21,767 फीट ऊंचा। बहुत मुश्किल है इस पर चढ़ाई करनी, लेकिन कई सारे लोगों ने ट्राई किया है। चाइना के लोगों ने, रशिया के लोगों ने, कई सारे आर्मी के प्रोफेशनल ने, लेकिन उन सबका मानना है कि कैलाश जो है दिशा भ्रम कर देता है। या दोस्तों, यानी कि कोई भी अगर कोशिश भी करता है कैलाश के ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें किस दिशा में चढ़ाई करनी है और वो किस दिशा से आए थे। कई सारे लोग तो वही बीच में दम तोड़ देते हैं, और कुछ जो वापस आते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज अनुभव किया जो वो बता भी नहीं सकते। कुछ लोग अपनी आवाज खो बैठते हैं, कुछ लोग अपना दिमाग की स्थिति खो बैठते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उनकी उम्र बढ़ गई है उतरने के बाद। यानी कि जिस उम्र में वो चढ़े थे, जिस उम्र में वो उतर के वापस आए थे, उन्होंने अपनी उम्र का एक लंबा फासला तय कर लिया, यानी कि उनकी उम्र बढ़ गई है, और उस बीच में क्या हुआ है उनको ठीक से याद भी नहीं रहता। रशिया के एक साइंटिस्ट का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जिसे सुपर नेचुरल शक्तियों ने बनाया है। कई सारे लोग इसे सच भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगुलर ना होकर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जबकि अन्य पर्वत जो ट्राइंगुलर फॉर्म में होते हैं जिसकी चोटी होती है, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है जिसके चार मुख हैं और चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। कई पुराणों में सृष्टि का केंद्र माना गया है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के ऊपर बेशकीमती धातुओं का होना भी कहा गया है। ऐसी रिसर्च सामने आई है जिसकी माने तो कि कैलाश पर्वत के ऊपर ऐसे पत्थर और ऐसे मेटल्स पाए गए हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। लोगों का ये भी कहना है कि सोना अनलिमिटेड है वहाँ पे, और रूबी के क्रिस्टल भी पाए जाते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। यानी कि अगर वहाँ जाके उनको निकाला जाए तो वो इतनी मात्रा में है जिससे पूरा विश्व बहुत रईस हो जाएगा। नासा के निकोलस रिकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी नॉलेज और रिसर्च के माध्यम से बताया। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये साइंटिस्ट जो था निकोलस रिकर, वो अपनी एक टीम के साथ कैलाश पर्वत पे चढ़ने का प्रयास करता है। कई अनोखी और अनदेखी चीजें देखी उसने, लेकिन अगर उसकी माने तो उसने कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पे हाई टेक्नोलॉजी के निशान देखे। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक इंसानों ने बनाई ही नहीं और वो सोच भी नहीं सकते। अजीब तरीके की गतिविधियां देखने को मिली। वो दिशा भ्रम तो होएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसी चीजें महसूस करी, ऐसी देखी जो कि सुपर नेचुरल थी। उन्हें लगा कि आस पास कोई है, लेकिन देखते तो कोई नहीं था। कभी वहाँ पे अचानक से बर्फबारी हो जाती, कभी वहाँ पे वो दिशा भूल जाते, कभी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या उनका कंपस अलग दिशाओं में उनको इंडिकेट करने लग जाता। वो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करके आए थे जिसकी वजह से वो खुद ही अपने होश में नहीं रहे, और वापस आकर उन्होंने ये साबित किया कि भाई उसके ऊपर कोई भी मत जाना, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ना असंभव है। उसको एक्सिस मुंडी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, यानी कि दुनिया की नाभि। आकाश और पृथ्वी को जोड़ता है ये बिंदु जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, और जिसके अंदर 10 दिशाएं हैं। अलौकिक शक्तियां देखी गई हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। अद्भुत और अनोखे रंग निकलते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर से। अलग अलग धातु का होना ये बताता है कि ये पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था, एक रिसर्च के अनुसार, और ये तो वाकई में सच है, कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका से टूट के जब रशिया के साथ जाके आ मिलाता रशियन कॉन्टिनेंट में, या फिर एशियन कॉन्टिनेंट में आ मिलाता, कई लाखों करोड़ों साल पहले, लगभग 10 करोड़ साल पहले जब ये आके इससे मिला था, तो इसके बीच में समुन्दर था। तो समुन्दर को काटते हुए जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, जब इंडिया
टूट के आया और एशिया के साथ आके जुड़ा, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। और तब उसके बीच में समुंदर था और वो सारी एनर्जी जो थी हिमालयस की या उस समुंदर की या उस टकराव की, वो जाके एक बिंदु पे केंद्रित हो गई। और दोस्तों यहाँ पे दो सरोवर पाए जाते हैं, जिनमें से एक है मानसरोवर और एक है राक्षस ताल। मानसरोवर जो है वो शुद्ध पानी की सर्वोत्तम झील है, यानी कि इससे अच्छा शुद्ध पानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये सूर्य के आकार की है, और जहाँ पे दूसरी तरफ जो राक्षस ताल है वो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उच्चतम झील है, जो कि इतनी ऊंचाई पे पाई जाती है। इसके अलावा और कोई झील नहीं है जो इतनी ऊंचाई पे हो। दोस्तों एक सूर्य के आकार की है और एक चंद्रमा के आकार की। कहा जाता है कि ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ने की या एक ही जगह पर स्थित होने का एक एग्जाम्पल देती है, यानी कैलाश पर्वत के आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक साथ मौजूद। और अगर सैटेलाइट से दूर से देखें तो इस इमेज में दिखाई देता है कि यहाँ पे एक स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, यानी कि ये चिन्ह अगर बन रहा है तो ये कह सकते हैं कि नेचुरली नहीं, किसी ने बनाया गया है। यानी कैलाश और ये मानसरोवर और ये पूरा एरिया जो हिमालय था, ये किसने बनाया है, ये खुद ब खुद नहीं बना, क्योंकि खुद ब खुद बन ही नहीं सकता ऐसा स्ट्रक्चर। और दोस्तों कैलाश पर्वत से चारों दिशाओं में चार नदियां निकलती हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक हैं, जो कि हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली। और इन्हीं नदियों की ट्रिब्यूटरीज या इन्हीं नदियों की वजह से बाकी नदियां निकलती हैं हिमालय से। कैलाश पे चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, यानी कि अगर पूर्व की तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा अश्व का मुख है, घोड़े का मुंह, पश्चिम से देखेंगे तो आपको लगेगा हाथी का मुंह है, उत्तर से देखेंगे तो आपको लगेगा सिंह का मुंह है, और दक्षिण से देखेंगे तो आपको लगेगा मोर का मुंह है। वही दोस्तों सात तरह की लाइट दिखती है आकाश में कैलाश पर्वत से। 1965 तक भारत का ही हिस्सा था कैलाश पर्वत, लेकिन 1965 के युद्ध के बाद जब भारत चीन का युद्ध हुआ तब ये चीन के पास चला गया। लेकिन चीनी ने इतनी कोशिश की कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए, लेकिन फिर भी चढ़ नहीं पाए। आप ही सोचिए ना कि जब एक सच्चा सनातनी या फिर एक सच्चा हिंदू प्रयास करे तो शायद चढ़ भी, लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति जो कि हिंदू धर्म से बिल्कुल भी परिचित नहीं है और उसका जो नेचर है या उसका कैरेक्टर है बिल्कुल शुद्ध ना होगा, तो वो भोलेनाथ के पर्वत पे कैसे चढ़ सकता है। रशिया के 2007 में सर्गेई सिस्टेको नाम के एक रशियन ट्रेकर ने वहां चढ़ने का प्रयास किया, और वह कुछ ऊंचाई पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उन्हें सर दर्द होने लगा, उनको अलग अलग विजुअल्स हेलुसिनेशंस होने लगी, उनके पैर जम गए, उनका जबड़ा ब्लॉक हो गया, उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हुई। उसके बाद कर्नल विल्सन नाम के एक बंदे ने भी कोशिश की, वो आधे रास्ते से ही वापस आ गए। ऐसे ही उन्होंने चढ़ने की शुरुआत की, तभी इतनी जोर से बर्फबारी हुई कि उनको आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। और ऐसा कई बार हुआ, तब वो समझ गए लगता है कि कैलाश पर्वत पे चढ़ना आसान नहीं है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऐसा माने कि कैलाश पर्वत जिसे बुलाता है बस वही उस पे चढ़ सकता है, लेकिन न जाने वो व्यक्ति कौन होगा जो भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करने में कामयाब हो पाएगा। शायद भोलेनाथ ही उसे बुलाएंगे तभी वो जा पाएगा। उसके बाद चाइना ने बंद कर दिया कि अब कोई भी नहीं चढ़ेगा कैलाश पर्वत के ऊपर। कई सारे साइंटिस्टों ने यह बताया कि कैलाश पर्वत एक कंपस की तरह काम करता है, जो कि दिशा बताता है कि पृथ्वी की और इस ब्रह्मांड की दिशा क्या है। 2015-16 में नासा ने एक सैटेलाइट जो है कैलाश पर्वत के ऊपर स्थित कर दी, और वहाँ पे गूगल अर्थ की और सैटेलाइट की इमेजेस देखे तो उन दोनों की मदद से जो भी इमेजेस सामने आई उनको देखने के बाद सारे साइंटिस्ट दंग रह गए और सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पे उस इमेज में शंकर भगवान ध्यान मुद्रा में दिखाई दिए थे, भोलेनाथ साक्षात। जी हाँ दोस्तों, उन तस्वीरों में भोलेनाथ साक्षात वहाँ पे तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तब उनके होश उड़ गए, वो दंग रह गए कि भारत देव भूमि है और भारतीय से टक्कर लेने की कोशिश भी ना करें। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर एक व्यक्ति को ये बता दीजिए कि भारत देव भूमि है और भोलेनाथ की कृपा भारत के ऊपर हमेशा रहेगी, और हम लोग भोलेनाथ के शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सब लोगों को ये जान के हैरानी हो जाए और सब लोग मानने में विश्वास कर दें, वो नास्तिक लोग भी जो ये बात नहीं मानते हैं। और इस जानकारी को फैलाइए जितना हो सके, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। और दोस्तों भोलेनाथ के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि हम हर रोज आपको ऐसी जानकारी देते रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।